दोस्तों आज हम नेटफ्लिक्स इंडिया की नई फिल्म मस्का का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसे अभी 10 दिन पहले ही यानी 27 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। इसके लेखक और दिग्दर्शक है नीरज उधवानी, स्टारिंग मनीषा कोरेला, प्रीत कमानी, जावेद जाफरी आदि आदि। मैंने जो थंबनेल रखा हुआ है वीडियो पर, वो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि फिल्म मुझे कैसी लगी। और आपको आश्चर्य भी हो रहा होगा कि भाई नेटफ्लिक्स कब से प्रोपेगेंडा छोड़कर सेंसिबल फिल्म्स बनाने लगा है। सच कहूँ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ इस फिल्म को देखने के बाद में कि भाई नेटफ्लिक्स ने ऐसी फिल्म कैसे बना दी। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर मुझे ये फिल्म क्यों अच्छी लगी। अब ये एक टीनेज ड्रामा है, मस्का ये फिल्म टीनेज ड्रामा है। और मैंने इसके पहले आपको कई बार कई वीडियोज़ में बताया कि आजकल जो भी टीनेज ड्रामा मूवीज़ आती है या लिबरलिज्म के कंसेप्ट पर या फिर जो फेमिनिस्ट सो कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवीज़ आती है, उनमें ज़्यादातर क्या दिखाया जाता है कि भाई जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के सपनों को कुचल रहे हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे बंधन डाल के रखे हैं। बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी और बहुत ही घिनौनी विचारों वाले, सोच वाले, पुरानी सोच वाले हैं वो। बच्चों के सपनों को समझते नहीं हैं, बच्चों के प्यार को समझते नहीं हैं। और ऐसी फिल्मों के जरिए ये मैसेज दिया जाता है कि भाई ऐसे माता पिता के बंधनों को तोड़कर अपने सपनों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें अपने मन में आए उस पार्टनर के साथ में शादी करनी चाहिए, भले ही वो पार्टनर समझदार ना हो या फिर वो डिवोर्सी हो या जो भी उसके प्रॉब्लम्स हो, या फिर वो तुमसे सच्चा प्यार ना करता हो, या फिर वो अलग धर्म से इस वजह से तुम्हारे माता पिता परेशान हो, या जो भी कारण हो माता पिता के परेशानी का, जो भी कारण हो। पर ऐसे सब माता पिता को बिल्कुल भी ना मानकर उनको एकदम बहुत ही दरिंदों की तरह ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है। और ये मैसेज दिया जाता है कि भाई तुम अपने मन के अनुसार उस पार्टनर के साथ में जाकर लिव इन में रहो, या लिव इन में रहने के बाद में तुम्हें फिर अपने मन में आए उसके साथ में शादी करो, वगैरह वगैरह। इसी प्रकार के मैसेज आजकल फिल्मों में दिए जाते हैं। पर मस्का फिल्म टीनेज ड्रामा होते हुए भी बाकी जो सारी ऐसी टीनेज ड्रामा फिल्म है जिनमें सो कॉल्ड लिबरलिज्म और फेमिनिज्म दिखाया जाता है, उनसे ये फिल्म बिल्कुल ही अपोजिट है। चलिए इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है रूमी। वो एक पारसी परिवार से है और अपनी माँ डायना के साथ में, जो कैरेक्टर मनीषा कोइराला ने प्ले किया है, उसके साथ में वो मुंबई में रहता है। उनका एक खानदानी ईरानी कैफे है, परदादा के समय से, तब से ये कैफे चलता आ रहा है। बहुत सारे लोगों की इस कैफे से अपनी यादें जुड़ी हुई है, जो कई कई दशकों से वहाँ पर आकर चाय और बनमस्का वगैरह खाते हैं। तो माँ का भी सपना होता है, इच्छा होती कि भाई उसका जो बेटा है वो अपने पिता के इस परंपरागत व्यवसाय को आगे बढ़ाए। उसका ग्रेजुएशन वगैरह जो भी पढ़ाई है वो कंप्लीट होने के बाद में वो गल्ले पर आकर बैठे और इस ईरानी कैफे को वो संभाले, ऐसी माँ की इच्छा होती है। पर रूमी के तो सपने अलग होते हैं। वो एक्टर बनना चाहता है, ऊपर से एक्टिंग क्लास में जाने के बाद में वहां पर एक मल्लिका चोपड़ा नाम की लड़की की तरफ देखते ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। पहली नजर में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे लगता है कि उसे प्यार हो गया है। मिलते ही वो दोनों एक साथ में सो भी जाते हैं। अभी जो मल्लिका चोपड़ा नाम की लड़की है वो डिवोर्सी है, तलाकशुदा है, 3 साल अपने पति के साथ में रहने के बाद में उसको छोड़ चुकी होती है। और जिन माता पिता ने उसके लिए अपने सारे सपनों का त्याग करके उसको बड़ा किया है, उन्हीं माता पिता को वो अपने सपनों के लिए छोड़ देती है और उनको ही दिन रात वो कोसती रहती है, ऐसी मल्लिका चोपड़ा है। पर रूमी को लगता है कि उसे उससे प्यार हो गया है। वो उसको आई लव यू कहता है, तो वो मल्लिका उसे आई लव यू भी नहीं कहती, वो आई लाइक यू इतना ही कहती है। और ऊपर से उसको उकसाती भी है रूमी को कि भाई तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, क्या वो उधर माँ के साथ में रहकर क्या हो जाएगा, तुम्हें लिव इन में रहने के लिए आ जाओ मेरे साथ यहाँ पर। और रूमी भी फिर उसकी बातों में आ जाता है और लगता है कि हाँ यार, मुझे भी अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। ये माँ क्या साला दिन भर दिन रात ऐसे दिमाग खराब करती रहती है मेरा, क्या बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तो इन सारे बंधनों को तोड़कर मुझे घर छोड़ देना चाहिए। यही सब वो फिल्मों में वगैरह आजकल यही तो बताया जाता है, चाहे वो उड़ान जैसी फिल्म हो या कोई भी टीनेज ड्रामा उठाकर देख लो, तो उसे भी ये सब अंदर से ऐसा ही लगता है कि हाँ यार यही सही है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो वो जो माँ उसका दिन रात ध्यान रखती है, उसके लिए इतनी चिंता करती है, वो उसी को छोड़कर उस मल्लिका चोपड़ा के साथ में लिव इन में आकर रहने लग जाता है। माँ इधर परेशान हो जाती है, एक तो लड़का अपना परंपरागत व्यवसाय करने से मना कर देता है, एक तो उसका ये दुख, ऊपर से लिव इन में रहने के लिए चला जाता है, ऊपर से मल्लिका चोपड़ा उनके पारसी समुदाय से नहीं है, ऊपर से वो डिवोर्सी भी है, तलाकशुदा भी है। तो इन सारी बातों की वजह से उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। शुरुआत में थोड़ा सा वो गुस्सा करती है, लेकिन बाद में फिर भी माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। तो कुछ दिन के बाद में वो अपने बेटे को कुछ पैसे वगैरह देने के लिए वहाँ पर आ जाती है कि बेटे को कोई तकलीफ ना हो। अब जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है, वैसे वैसे रूमी को ये फिल्म उसकी गलती का एहसास कराती है कि भाई हर सपना पूरा करने के लिए नहीं होता। फिर कुछ समय के बाद में रूमी को एक परसिस नाम की लड़की मिलती है,
पर्सिस को उनके ही पारसी समुदाय से दिखाया है, और साथ में ही उसे लोगों की भावनाओं की कद्र करने वाला, बुजुर्गों का सम्मान करने वाला दिखाया है। पर इस समय भी जो रूमी है वो अपने बस कैफे को बेचने के बारे में सोच रहा होता है कि भाई बस उसे एक प्रोड्यूसर मिलता है, जो डायरेक्टर मिलता है, एक छोटी मोटी कोई शॉर्ट फिल्म बनाकर उसे कुछ अवार्ड वगैरह मिला था, तो उसे मिलकर रूमी को पता चलता है कि यार कोई अगर उसे इन्वेस्टर मिल जाए 5 करोड़ लगाने वाला, तो वो उसी बंदे को एक्टर बना लेंगे अपनी फिल्म में। तो रूमी को लगता है कि हाँ यार, ये ईरानी कैफे वगैरह चलाकर क्या हो जाएगा, चलो इस कैफे को बेच देते हैं, 5 करोड़ रुपए, 6-7 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, उसमें से 5 करोड़ इधर इन्वेस्ट कर देंगे, हो जाएगा मेरी फिल्म का काम पूरा। पर धीरे धीरे पर्सिस के साथ में रहने के बाद में रूमी को उनके कैफे का, उस कैफे में जो इतने दशकों से कई सारे लोग आ रहे थे, उनकी जो यादें उस कैफे के साथ में जुड़ी हुई थी, उन यादों का उसे महत्व पता चलता है, और धीरे धीरे उसे पर्सिस से प्यार हो जाता है। इधर जो मल्लिका चोपड़ा है, जो इतने समय से उसे बस आई लाइक यू कह रहे थे रूमी को, जब रूमी मलिका को कहता है कि भाई मैं कैफे बेचकर 5 करोड़ रुपए फिल्म में इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो शुरुआत में तो मलिका कहती है यार क्यों कैफे बेच रहे हो, क्यों पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब रूमी उसे बताता है कि भाई तुम ही मेरे अपोजिट होने वाली हो फिल्म में, लीड में, तो मलिका के सुर बदल जाते हैं। वो कहती है कि चलो ठीक है, फिर कर दो इन्वेस्ट 5 करोड़ रुपए, और बाद में वो उसे सपोर्ट करने लगती है। और जब ये कैफे बेचने की वगैरह बात आगे बढ़ती है वगैरह ये सब, तो उसके बाद में वो उसे आई लव यू भी कहती है। इतने समय तक आई लाइक यू कह रही थी, लेकिन बाद में उसे आई लव यू कहती है। पर तब तक रूमी के सर से सपनों के पीछे भागने का जो भूत सवार होता है वो उतर चुका होता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि मैंने काफी लंबे समय के बाद में कोई सेंसिबल मूवी देखी। नेटफ्लिक्स की तो ये पहली अच्छी फिल्म है ही, पर जनरली भी मैंने काफी लंबे समय के बाद में एक अच्छी और सेंसिबल मूवी देखी। पर मैं इसे सेंसिबल कह रहा हूँ, इसका मतलब ये कोई परफेक्ट फिल्म नहीं है। इस फिल्म को और बहुत अच्छे से बनाया जा सकता था, इसके कैरेक्टर्स को और बहुत डेवलप किया जा सकता था। जैसे कि रूमी सपने पूरा करने के नाम पर अपनी माँ को छोड़कर चला जाता है, लिव इन में रहता है, तो ऐसा कदम उठाने के बाद में कैसे उसके लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते थे, कैसे बहुत सारी बातें फिल्म में दिखाई जा सकती थी। पर ओवरऑल फिल्म का कंसेप्ट अच्छा है, इसलिए मैंने इसे सेंसिबल कहा। देखिए, मैंने भी कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर बस अपने सपने पूरा करने के नाम पर या पहले प्यार के नाम पर कई लोग अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं घर से, पर बाद में जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, या फिर कई लोग तो अपना सब कुछ खो बैठते हैं, असफलता मिलती है, और उस असफलता के बाद में जब उनके पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं होता ना, तो कई लोग गलत निर्णय भी ले लेते हैं, या फिर कई बार जब उन्हें असफलता मिलती है तो उनके माता पिता ही उनका साथ देते हैं, अपने बेटे या बेटी का, भले ही उसने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, भले ही उसने अपने माता पिता का कितना भी दिल क्यों ना दुखाया हो, पर ऐसे समय माता पिता ही पीछे खड़े रहते हैं। नहीं तो आजकल की जो लिबरलिज्म की मूवीज है वो बस माता पिता का दिल दुखाओ, अपने सपना पूरा करने के पीछे दौड़ते जाओ अंधे होकर, पर ऐसे जो लोग सपना पूरा करने के पीछे भागते हैं, वहाँ पर उन्हें कितनी सफलता मिलती है, या उनको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, या इसका सक्सेस रेशो कितना है, कितने लोग ऐसे सक्सेसफुल होते हैं जो अपने माता पिता का दिल दुखाकर घर छोड़कर चले जाते हैं, ये वो नहीं दिखाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमारी कोई हॉबी नहीं होनी चाहिए या हमारा कोई छंद ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हॉबी होना एक अलग बात होती है भाई, आप एक हॉबी के आप 50 हॉबीज रखिए, भगवान श्री कृष्ण में तो 64 कलाएं थी, तो हॉबी होना एक अलग बात होती है। पर हमारी किसी एक हॉबी के पीछे या किसी एक इच्छा के पीछे अपने परिवार को, कर्तव्य को, जिम्मेदारी को, माता पिता को, सबको भुलाकर बस किसी एक इच्छा के पीछे अपने पूरे जीवन को खपा देना, एक अलग बात होती है। देखिए, जो सामान्य मनुष्य होते हैं वे सपने पूरा करने के पीछे भागते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे ही जीवन को खपा देते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वे जब जो आवश्यक होता है तब वो करते हैं, अपनी कोई इच्छा नहीं रखते, अपनी मन की इच्छाओं से अपने आप को अलग कर लेते हैं, मन के स्वामी बनते हैं, मन के गुलाम नहीं बनते हैं, या फिर अपने जीवन में कोई एक उच्च लक्ष्य बना लेते हैं कि भाई मैं समाज की सेवा करूंगा, मैं मातृभूमि की सेवा करूंगा, मैं देश और संस्कृति की सेवा करूंगा, या फिर हमारे संस्कृति का, हमारे संतों का जो ज्ञान है वो मैं सब तक पहुंचाऊंगा, या अपने आप को पहचानूंगा, आत्मज्ञान को प्राप्त करूंगा, ऐसा कोई उच्च लक्ष्य जीवन में वे बना लेते हैं, और फिर साथ में जो भी उनके प्रारब्ध के अनुसार कर्म आते जाता है उस कर्म को वो सहज रूप से करते जाते हैं। कोई भी आसक्ति नहीं, किसी परिस्थिति से राग नहीं, किसी परिस्थिति से द्वेष नहीं, कहीं से भी वो भागते नहीं है कि भाई यहाँ पर मुझे परेशानी, चलो मैं यहाँ से भागकर दूसरी जगह पर जाता हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। एक सिंपल सा लॉजिक ही देखिए दोस्तों, अगर हम ये सोचते हैं कि भाई मैं फलाने फलाने जगह पर सुखी नहीं हूँ, और इस जगह को अगर मैं छोड़ दूंगा और दूसरी जगह पर जाऊंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ हो ही नहीं सकती। अगर हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरी जगह पर जाने के बाद भी हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। वहाँ पर माता पिता नहीं है तो कोई रूम पार्टनर होगा, कोई पड़ोसी होगा, या फिर और कोई फलाना फलाना ढिंगना कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, वो हमें दुख देगा क्योंकि हम मन से अलग नहीं हुए हैं। तो मन तो कहीं पर भी
परेशानी क्रिएट कर लेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम वो क्रिएट कर ही लेगा। हम जहाँ हैं वहीं पर हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि दुख केवल एक मन की वृत्ति है। जब तक ये बात हम समझते नहीं हैं, तब तक दुखों का अंत कहीं पर भी आप चले जाइए नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने कहा कि जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वे जब जब जो आवश्यक होता है तब तब वो करते जाते हैं, और प्रारब्ध के अनुसार फिर जो हॉबीज हो या कर्तव्य हो या जो भी हो वे सब अपने आप हो जाता है। किसी हॉबी को किसी इच्छा को पूरी करने के लिए कई 10 जगहों पर भागना नहीं पड़ता। जैसे कि भगवान श्री राम जी का जीवन एक आदर्श जीवन है। हम देखिए, उन्हें राज्याभिषेक की भी कोई इच्छा नहीं थी। पहले उन्होंने मना कर दिया पूछे जाने पर, लेकिन जब बाद में सबने समझाया तो वे मान भी गए राज्याभिषेक के लिए। लेकिन दूसरे दिन जब वनवास जाने के लिए कहा गया तो वे भी सहज भाव से वे चले गए। कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई, क्योंकि उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा से उन्हें आत्मज्ञान हुआ था। तो अपने मन के विचारों में बंधे नहीं, दुखी नहीं हुए। मन में दुख की वृत्ति आई भी होगी लेकिन उसके साथ वे जुड़े नहीं। तो ये सहज कर्म करना हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, इच्छाओं का गुलाम बनना हमारी संस्कृति नहीं सिखाती। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मस्का इस फिल्म का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, पर ये फिल्म और बहुत बेटर हो सकती थी और एंटरटेनिंग वे में इसे बनाया जा सकता था। एक और जो कमी मुझे इस फिल्म की लगी वो ये कि देखिए, परसिस रूमी को पहले सब लोगों से मिलवाती है जो कैफे में उसके कैफे में आते थे, जिनकी यादें उस कैफे के साथ में जुड़ी हुई है। उन सब लोगों के साथ में परसिस रूमी को मिलाती है और बताती है कि देखो इन कैफे के इन लोगों के कैसे इमोशंस जुड़े हुए हैं इस जगह के साथ में। पर फिर भी रूमी में कोई बदलाव नहीं आता, फिर भी वो उस कैफे बेचने की डील को आगे ही बढ़ाता रहता है। तो ये बात हमें कुछ ठीक नहीं लगती यार, इतने सारे लोग, इतना इमोशनल कर दिया गया था उन सीन्स में, फिर भी उस पर कोई असर ही नहीं होता। और बाद में जब वो एकदम एंडिंग में आकर उसे लगता है कि हाँ यार अब मुझे नहीं बेचना है कैफे। तो ये जो सिक्वेंस है इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। वो जो सीन्स थे पहले वाले जहाँ पर परसिस रूमी को मिला, परसिस उन लोगों से रूमी को मिलाती है, वो सीन्स थोड़े बाद में होने चाहिए थे, और उन सीन्स के बाद में रूमी में बदलाव आता है ये दिखाया जाता तो और बेटर होता। इसके साथ में जो मैसेज ये फिल्म देना चाहती है उसको और स्ट्रांगली इसे देना चाहिए था। जैसे कि फिल्म ये बताती है कि भाई रूमी को एक्टिंग नहीं आती थी, इस वजह से उसका एक्टिंग के करियर की तरफ जाना ठीक नहीं है। पर चलो मान लेते हैं रूमी को एक्टिंग आती भी होती ठीक ठाक, या अच्छा भी होता वो एक्टिंग में, तो क्या? अगर वो एक्टिंग में अच्छा होता तो माँ को छोड़कर मलिका जैसी लड़की के साथ में वो लिव इन में चला जाता, और परसिस जैसी एक समझदार लड़की को वो छोड़ देता, इतने बढ़िया कैफे को बेच देता, वो बेचकर 5 करोड़ रुपए फिल्म में इन्वेस्ट कर देता। पर उसके बाद में क्या? क्या उसके बाद में भी सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी है? उसके बाद में भी मान लो फिल्म फ्लॉप हो जाती तो क्या? ना माँ रही, ना परसिस जैसी एक समझदार लड़की रही, ना वो कैफे रहा। पर दोस्तों, इन थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद भी आपको ये फिल्म जरूर जरूर देखनी चाहिए। मैं मस्का को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। जय श्री राम, वंदे मातरम।